कल बजट आने जा रहा है, तो अभी उस पर भी हमारा पूरा ध्यान है। ये सरकार बड़े बड़े वायदे करके आई थी, 5000 पेंशन, पुरानी पेंशन स्कीम, पंजाब स्केल, युवाओं को रोज़गार, बहुत बड़े वायदे किए गए थे। लेकिन आज अर्थव्यवस्था हरियाणा की पटरी से उतर गई, आज 3 गुना कर्जा चढ़ गया, बेरोजगारी में हरियाणा देश में नंबर 1 हो गया, भ्रष्टाचार में देश में हरियाणा का नाम आ रहा है। ऐसे में खुली लूट चली हुई है, कहीं खनन की बात हो, शराब माफिया की बात हो, खनन माफिया की बात हो, रजिस्ट्री माफिया की बात हो, हरियाणा के अंदर खुला भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है और अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई, ना निवेश हुआ। तो ऐसे में जो बजट आ रहा है, ये क्या राहत देगा नहीं देगा, आज हमारी बजट पे सारी नज़र रहेगी कल। और सकारात्मक विपक्ष की तरह जहाँ सरकार को अच्छा काम करेगी तो बजट में हम उसको सराहेंगे, और जहाँ ये सरकार अगर अपने पुरानी कार्यशैली जो इन्होंने दिखाई पिछले 7-8 साल में उसी कार्यशैली को आगे बढ़ाते हुए अगर जन विरोधी बजट पेश करेगी तो हम एक एक बात को लोगों के सामने रखेंगे। देखिए ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि निलंबन का कोई रास्ता प्रेजेंट में नहीं होता, सभी अपने चयनित होके आए हैं, लोगों के आशीर्वाद से सब वहाँ पहुँचे हैं। और जो है प्रजातंत्र में अलग अलग विचार होना, अलग अलग विचारधारा होना, किसी भी कानून पर अलग अलग राय होना, यही एक प्रजातंत्र है। नहीं तो अगर सभी की एक हर चीज़ पे राय हो तो वो तो प्रजातंत्र नहीं है। 90 विधायक हैं, सबको अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, निलंबन नहीं होना चाहिए। 5 प्रदेशों के जो नतीजे आएंगे, 5 प्रदेशों के नतीजे कांग्रेस पार्टी के हक में आएंगे और भाजपा को झटका मिलने जा रहा है देश में। लोगों ने बदलाव का मन बनाया है, जो भाजपा अहंकार, इतने अहंकार से जो पार्टी चल रही है उस अहंकार को तोड़ने का लोगों ने मन बनाया है। मुझे विश्वास है कि 5 में 4 प्रदेशों में उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के अंदर कांग्रेस बहुमत की तरफ बढ़ती दिखाई देगी, तो उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव होगा, उस बदलाव के अंदर भी कांग्रेस पार्टी की भूमिका रहेगी। कांग्रेस आला कमान द्वारा मुझे उत्तराखंड में कल मैं जाऊंगा, उत्तराखंड में जो नतीजे आएंगे उन नतीजों पे विशेष पर्यवेक्षक के रूप में मुझे मेरी जिम्मेदारी मिली है, तो हम उत्तराखंड जाएंगे कल और 2 दिन उत्तराखंड रहेंगे। हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, बाकी जगह नहीं।